ये अयान ने हमें इस गोडाउन में क्यों बुलाया है? पता नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है। चलो नंगा क्या कर रहा है? तेरी जरा सी इज्जत थी वो भी तूने बेच दी। कब, क्यों, कैसे? ये सब छोड़ो, मुझे कुछ मेरी हेल्प करो भाई। क्यों बचा लूं? हाँ, तूने तो कहा था ना उस दिन मुझे अकेला छोड़ दे। जा बैठ अकेला नंगा आज तू। भाई अपनी टी शर्ट दे दो भाई, आपकी तो बॉडी भी बहुत अच्छी, प्लीज दे दो भाई। गवर्न नहीं है बट तेरे को नहीं दूंगा नंगे। यार भाई, जिस दिन आपके फ्यूचर के ऊपर बात आएगी ना, उस दिन पूछूंगा मैं आपसे। अच्छा अर्जुन यार, कुछ तो कर यार, मैं तो मुर्गी भी नहीं देख सकती यार। तू मुर्गी करेगी क्या? और क्या करूँ, अपने कपड़े उतार दूँ? हाँ उतार दे, नंगा हो जाओ। चुप यार, ये लड़ाई वड़ाई छोड़ो, मुझे कपड़े धो यार। एक सेकंड, हाँ ला ये ले, ये ले जफर का। थैंक यू। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? आजा मेरे भाई नंगे। आपने वादा किया था कि आप उनसे नहीं मिलेगी। वो दरवाजे पे आए थे माया, मैं उनसे नहीं मिली, पर वो चिल्ला रहे थे कि किसी लड़के ने उन्हें मारा है, तुम्हें बचाने की कोशिश में। वो लड़का अर्जुन ही था ना माया? माया, किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाने में बहुत हिम्मत लगती है, और वो हिम्मत अर्जुन में है। 15 फ्लोर पाइप से आना सिर्फ इसलिए कि ऑफिस के लोगों की मेहनत ना बर्बाद जाए, हिम्मत लगती है माया, और वो हिम्मत अर्जुन में है। तुमसे बिना डरे, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे सच कहने में हिम्मत लगती है माया, और वो हिम्मत अर्जुन में है। अर्जुन मेरे लिए काम करता है। तो फिर अर्जुन का जादू अपने पे काम करने दो ना माया, उसे एक मौका तो दो, वो एक अच्छा लड़का है, मुझे अच्छा लगता है वो। और आपकी चॉइस कभी गलत नहीं होती। मेरी चॉइस गलत हो सकती है माया, लेकिन तुम्हारी नहीं। अगर तुमने अर्जुन को इतनी इजाजत दी है कि वो तुमसे बदतमीजी करके भी काम पे आ सके, तो कुछ तो देखा होगा ना तुमने उसमें। प्लीज मेरी माया को भी किनारा दे दो, बहुत देर से तूफान में भटक रही है वो। अगर ट्रैफिक पुलिस ने हमें पकड़ लिया ना, तो बहुत ही बड़ी फाइन होगी। पहली तो ये कि हम ट्रिपली जा रहे हैं, और दूसरा ये नंगे बच्चे को ले जाने का फाइन। अरे डस्की, इस वक्त मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, चिंता है तो मेरे अयान की फ्यूचर की। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं ताया कैसे बनूंगा? भाई से भी अयान, हुआ क्या था? प्यार फाइंडर पे लड़की मिली, 2-3 बार डेट किया, और फिर आज ये कैसी जगह है अभी? उससे क्या फर्क पड़ता है, अब और वेट नहीं होगा, जल्दी करो ना प्लीज। मैं मिले हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। It's enough for me, don't mind.
Really? Yes. Of course I love you, yaar. I love you too. Ye lo. You naughty boy. आज तो लॉटरी लग गई. बेबी ये क्या कर रही हो? चुपे चिंटी, वॉलेट में 200 रुपए लेकर कौन घूमता है? कंजूस कहीं का, अब कुछ भी बोलेगा. पुलिस को बुला लूंगी, तुझे जेल में अंदर करवा दूंगी, समझा? बेबी बेबी मेरा कच्चा तो देखते जाओ बेबी बेबी. होता है होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं. चड्डी पहनता कोई और है और धोता कोई और है. आयन मेरे भाई, वैसे भी तेरे कपड़े ना काफी पुराने हो गए. अब मेरी सैलरी वैसे भी 18 लाख हो गई. मैं तेरे को खूब नई नई जैकेट जीन्स सब खरीद के दूंगी. और मैं मेरी 15,000 की सैलरी से तुझे एक वॉलेट खरीद के दूंगी. ओके. अरे रोको 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 रोको. क्या रोको? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? नंगा नंगा कहीं गया? आय हाय, पिंक हेलमेट में तो बड़ा क्यूट लग रहा है. अच्छा सी? अच्छा सुन, कल मॉम डैड की एनिवर्सरी है. ओके, तो हम दोनों को डांस करना है, तो डांस करने के लिए कल रिहर्सल पे टाइम पे आ जाना. ओके. हेलो, कल मैं काम पे जा रहा हूँ. मैं चचा का ऑफिस नहीं है, मुझे छुट्टी मिल जाएगी. और वैसे भी डांस के मामले में अर्जुन शर्मा इज द बेस्ट. ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू नो दैट. ओह हेल, एक सेकंड. इसका फोन है. पापा. पापा? हाँ पापा, मैं ना अर्जुन के साथ ही हूँ, बस 10 मिनट में आ रही हूँ. 10 मिनट कुछ नहीं सांझ, फौरन घर पे आ जा. तुझसे बात करनी है मुझे. क्यों? पापा इतने गुस्से में क्यों थे यार? तो पापा तेरे हैं यार, तुझे पता होगा, मुझे कैसे पता होगा, राइट? चल. तुझे कितना समझाया था मैंने सांझ, कि जो तू करेगी उसमें मेरी, सुमन की, इस परिवार की झलक दिखेगी. लेकिन पापा, मैंने किया क्या है? कुछ तो किया होगा तूने, जो उस लड़के ने इनकार कर दिया. कल तक वो साफ कह रहा था अपनी फैमिली से, मुझे सांझ पसंद है, आज उसने ना कर दी. प्रेम, इसमें सांझ की क्या गलती है? कभी कभी ऐसा होता है, हम चाइनीज खाने जाते हैं और बटर चिकन खा के आ जाते हैं. सांझ, तूने जीतू को अर्जुन के बारे में कुछ बताया ना? क्यों सांझ, क्यों किया तूने ऐसा? तुझे फोर्स किया था क्या मैंने? कुछ दबाव था तुझ पे? साफ तो कह दिया था कि नहीं मिलना है तो मत मिल बेटे. फिर ये नाटक क्यों सांझ? देख सांझ, जिस अर्जुन के लिए तुमने इतने अच्छे रिश्ते को ठुकराया है ना, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही अर्जुन तुझे ठुकरा दे. फिर रोते हुए नहीं आना मेरे पास. तो कमाल है यार, कोई बात ही मानने को तैयार. प्रेम, बहुत ड्रामेटिक हो गया. तो आप पापा है ना तेरे, मान जाएंगे. तुमको मना लेगी, मुझे मालूम है. आपने मेरे बैग को हाथ लगाया था. माया, सुनो तो सही. माया, वो माया गलती से ना टक्कर लग गई थी तो वो गिर गया था, इसलिए मैंने बैग और वॉलेट को उठा के टेबल पे रख दी. Thank you.
खुद टाइम पे आती नहीं और दूसरों के टाइम के पीछे पड़ी रहती है। बढ़िया। मेरे कैबिन में अभी। ये क्या है? फिर से टर्मिनेशन लेटर? आपके पास टर्मिनेशन लेटर के भंडार है क्या? अभी टर्मिनेशन लेटर नहीं हो गए, सड़कों के गड्ढे हो गए, जब चाहे आ गए। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। एनवेलप खोलो। ये मेरी गाड़ी में गिर गया था। थैंक गॉड ये मिल गया। पता क्या स्पेशल गिफ्ट है? बहुत स्पेशल है। अपनी हर स्पेशल चीज का ख्याल ऐसे रखते हो। एक असाइनमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर पाओगे? श्योर। कॉन्सेप्ट क्या है? जो हम बनाना चाहे, कुछ नया। प्यार? प्यार? प्यार में कुछ नया होता है? देखने वाले की नजरों पे डिपेंड करता है। और आपकी नजरें क्या कहती है मिस्टर शर्मा? प्यार एक जुनून है, एक दीवानगी, एक बीमारी, एक सनक, एक ऐसी हद जिसे पार किए बगैर रहा नहीं जाता, अगर पार कर भी लिया तो सहा नहीं जाता। प्यार की हद जानते हो क्या होती है? जब मिले तो कशिश, कशिश जो बंधन बन जाता है, बंधन जो इश्क का रंग लेता है, इश्क जो भरोसे पे टिका है, और भरोसा जो इबादत से भी बढ़कर है। वो लगता है आपको बहुत सॉलिड वाला प्यार हुआ है। मुझे प्यार से प्यार नहीं है, मुझे जुनून से प्यार है। ऐसा जुनून जो किसी हद को नहीं पहचानता, ऐसा जुनून जिसकी हद भी बेहद है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा प्यार होता है, ये जुनून वाला, मौत को पीछे छोड़ देने वाला? प्यार में मौत तो पहला कदम है अर्जुन, सिर्फ पहला। ओके, असाइनमेंट के बारे में मैं और आइडिया सोचता हूँ। आई लेट यू नो। मतलब बच्चे पैदा किए कि सोफे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सांझ, सांझ उठना, सांझ चाय बना दे, पार्टी कर, कुछ तो स्पेशल कर, आज मेरा स्पेशल वाला डे है। देख घंटी बजी है, दरवाजा ही खोल दे, देख आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। आहा, आज का स्पेशल डे है और तुम लोगों के लिए भी है। अगर ये डे ना होता तो तुम लोग भी नहीं होते। सांझ दरवाजा खोल दे, घंटी नहीं सुन रही है क्या? आपको सुनाई दे रही है ना? खड़े हो और जाओ, खुद खोलो। हद हो गई है। झगड़ा तेरा प्रेम के साथ हुआ है और एटीट्यूड मुझे दे रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कमाल है, घंटी सुनते सुनते बहरे हो जाएंगे लेकिन दरवाजा किसी को नहीं खोलना है। हेलो सर, सर आपका तोहफा। वाओ फ्लावर्स, हमारे लिए? किसने भेजा?
आइडिया नहीं है सर, ऑनलाइन बुक है ये। थैंक यू। किसने भेजा है? कबूतर आ आ आ, पहले प्यार की 25वीं साल की रहा हमारे साथ। शोभन सांझ, आपको क्या लगा था कि मैं आपकी एनिवर्सरी भूल जाऊंगी? सुमन, ऐसे कैसे हो सकता है? हैप्पी एनिवर्सरी माँ। थैंक यू सो मच डार्लिंग। मतलब धमाल होगा, पार्टी होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, तो मैं ना रेड वाली साड़ी पहनूंगी। डन। और प्रेम, आप ना अपना ब्लैक वाला कुर्ता पहनना और ना वो लाल वाला रुमाल लगा लेना। हाय, बड़े हैंडसम लगते तुम उसमें। सुमन, हैप्पी एनिवर्सरी पापा। प्रेम, सांझ, पापा का मूड शाम तक सेट कर दूंगी। पक्का? पक्का। पार्टी? पार्टी। थैंक यू माय डार्लिंग, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स। हैं? अगर शूट नहीं करवाना होता तो बुलाती नहीं। मतलब मैं अर्जुन शर्मा, फैशन एंड सिटी का इंटर्न, इतने बड़े प्रोजेक्ट को सोलो ओनली हैंडल करेगा? नहीं 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 नहीं, यू किडिंग? सच्ची? मतलब मैं इस शूट का हीरो? थैंक यू। I'm sorry, हो गया ना, excited हो गया, उसमें हगी वगी होगी, but don't worry, मैं किसी और को हग कर लूँगा। But I promise you, आप ना मुझ पे भरोसा रखो, आपका वो इबादत, जुनून, प्यार, whatever, सब कुछ इस शूट में होगा। This shoot will be the God bless you. Best. Sorry. फिलहाल तो तुम सबको जुकाम देने वाले हो। ये क्या है, कुछ खिलाकर मारने का प्लान तो नहीं है? एक्सक्यूज मी। नहीं, वो क्या है ना, आज आप बहुत दानवीर हो रही हैं, अब बहुत कुछ दे रही हैं, पहले फोटोशूट दिया, फिर दवाई दे रही हैं, और क्या देना चाहती हैं आप? मैं दवाई ले लेता हूँ फिलहाल। ये मैं वहां ले लूंगा। थैंक यू फॉर द पिल एंड फॉर द फोटोशूट।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.